अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ आज जो हम नोवेल पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है और मेरा फेवरेट नोवेल है ये जो कि जे के रॉलिंग ने लिखा है जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड द फलॉसफर स्टोन ठीक है ये इंपॉर्टेंट नोवेल भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का नोवेल है तो नोवेल की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने हैरी पॉटर के जितने भी करैक्टर लिस्ट है फर्स्ट नोवेल से लेके लास्ट नोवेल तक जितने भी करैक्टर्स हैं उन सब के ऊपर डिटेल से मैंने समरी बना दी हुई है और उनको मैंने कर दिया हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये समरी को सुनने से पहले वो जो करैक्टर्स हैं उनकी वीडियो को देख लें ताकि आपको जो फर्दर हमने स्टोरीज पढ़नी है और ये वाली स्टोरी पढ़नी है जो जो इनमें करैक्टर आए आपको प्रॉपर से क्लियर हो जाए उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए और इस तरह से आपको समरी को सुनने का भी मज़ा आएगा चले टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने नोवेल को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जब नोवेल की स्टार्टिंग होती है तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है उस स्टार्टिंग के अंदर जो डर्जल्ले फैमिली है उसका बताया गया है ठीक है और जो नोवेल की टेक्स्ट है वहाँ पे लिखा गया हुआ है मिस्टर एंड मिसेस डरजले ऑफ नंबर फोर प्राइवेट ड्राइव वर प्राउड टू से दैट दे वर परफेक्टली नॉर्मल थैंक यू वेरी मच they were the last people you would expect, sorry expect, to be involved in anything strange or mysterious, because they just did not hold with such nonsense. आप यहाँ पे बताया गया कि वो perfectly normal हैं और ये जो है ना आ like strange और mysterious चीजें नहीं करते, ठीक है? इससे reference क्या निकलता है? ये रेफरेंस निकलता है मैजिक के रेलिवेंट और जब स्टार्टिंग और ये नोवेल की तो स्टार्टिंग में डर्जले फैमिली का इंट्रोडक्शन दिया गया ये एक मिडिल क्लास फैमिली है जो कि लिटिल विंगिंग सड़े में रहती है ठीक है और जो इनमें करेक्टर इंक्लूड है वो है वर्नन और पिटूनिया ठीक है और नोवेल के बिल्कुल ओपनिंग पे बताया गया कि जो डर्जल फ़ैमिली है इनको कोई ना कोई किस्म का एक खौफ है ठीक है और वो खौफ क्या है कि कहीं कोई इनका सीक्रेट ना जो है वो पता लग जाए लोगों को जैसे कि लिखा हुआ है बुक में द डजलेस हैड एवरी थिंग दे वॉन्टेड बट दे ऑल्सो हैड अ सीक्रेट एंड देयर ग्रेटेस्ट फियर वॉज दैट समबडी वुड डिस्कवर इट ठीक है कोई इसको डिस्कवर कर लेगा और वो सीक्रेट क्या था वो सीक्रेट ये था कि जो बिटूनिया थी उसकी सिस्टर जो थी वो विच थी ठीक है सिस्टर का नाम है लिली ठीक है वो विच थी और उनका जो बेटा हैरी पोटर वो उनकी सिस्टर लिली का बेटा है जिसको कोई uh, पिटूनिया के डोर स्टेप के ऊपर छोड़ के चला गया था आफ्टर द डेथ ऑफ लिली ठीक है तो ये सीक्रेट था इसको थ्रू एंड थ्रू इस चीज़ का खौफ होता है कहीं इनका सीक्रेट डिस्कवर ना हो जाए अब क्या होता है अपना स्टोरी में बताया गया है कि जो हैरी पॉटर है ना ये लिली और जेम्स का बेटा है लिली और जेम्स जो है ना ये आपस में हस्बैंड वाइफ थे और इनको लॉर्ड वॉल ने मार दिया था क्योंकि वो मारने तो हैरी को आया था लेकिन उस टाइम पीरियड पे जो लिली है उसने अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए आगे आई और उस टाइम पीरियड पे जब वो अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए आई थी तो उसके लव की बेस पे क्या हुआ हैरी पॉटर तो बच गया लेकिन लिली की और जेम्स की डेथ हो गई थी और जब लिली और जेम्स की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे जो हैरी था उसके फोर हेड के ऊपर एक लाइटनिंग बोल्ट शेप कार बन गया था ठीक है जो उसको अक्सर पेन भी देता था हैरी पॉटर को और हैरी पॉटर वो वाह पर्सन था जो कि वोल्डी के के कर से बच गया ठीक है और इससे पहले कोई भी इस किलिंग कर से नहीं बच पाया था इसीलिए इसका नाम रख दिया गया द बॉय हु लिव्ड ठीक है अब क्या हुआ जब लिली की और जेम्स की डेथ हो गई तो उस टाइम पीरियड पे ना डिसाइड किया गया कि हैरी पॉटर को उनके रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया जाए जो उनकी लाइक देखभाल करें क्योंकि वॉल अगर हैरी पोटर को देख लेता कहीं पे तो वो उसको मार देता अब हैरी पोटर की प्रोटेक्शन के लिए जो सर एल्बर्स डम्बल डोर हैं उन्होंने यह है किया हैरी पोटर को इनके क्योंकि रेलेटिव यही रेलेटिव थे बस आंट पेटूनिया और अंकल वनडन इनके अलावा हैरी पोटर का कोई भी रेलेटिव नहीं था तो ये जो सर डम्बल थे एल्बस डम्बल जो कि हेड मास्टर हैं हॉकवर्ड स्कूल के उन्होंने यह किया उन्होंने इसको डर्जले के साथ छोड़ दिया ठीक है और इन्होंने सोचा जब तक हैरी पॉटर बड़ा नहीं हो जाता कि जब तक उसको हॉगवर्ड जो स्कूल है वहाँ पे एडमिशन करवाया जाए होगवर्ड स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजिडरी तब तक ये डर्जनेस के साथ रहेगा इस तरह से ये वॉल्डी मोड से भी बच जाएगा और इसकी अपब्रिंगिंग भी अच्छे से हो जाएगी लेकिन क्योंकि इसके जो पेरेंट्स थे सॉरी ये आंट थी और अंकल थे ये इसके साथ इतने लॉयल नहीं थे और उनको पसंद नहीं था हैरी पॉटर क्योंकि ये जेलस होते थे लिली से भी तो इसी बेस पर उन्होंने हैरी पॉटर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया उसके साथ अब क्या होता है जब हैरी पॉटर टेन इयर्स का हो जाता है आफ्टर टेन इयर्स अब क्या हुआ है हैरी जो है वो बड़ा हो गया हुआ है तो इसको डिफाइन किया गया है अ पेल स्किनी बॉय विद ब्लैक हेयर दैट स्टिक्स अप ऑल ओवर द प्लेस एंड ब्राइट ग्रीन आईज ठीक है ये इसकी अपेयर के बारे में बताया गया हुआ है अब जब ये बड़ा होता है ना तो इसको इसकी आंट पिटूनिया ने और अंकल वर्न ने थ्रू आउट द स्टोरी यही बताया था कि जो हैरी के पेरेंट्स थे ना वो एक कार क्रैश के एक्सीडेंट के अंदर मारे गए थे ठीक है और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था हैरी पॉटर को अब हैरी जहाँ पे रह रहा था ना वहाँ पे हैरी के आंट और अंकल के अलावा इसका कज़न भी था डेडले डर्जले ठीक है जो डेडले था ना वो बहुत डोमिनेट था हाउस होल्ड के अंदर ठीक है वो हैरी को बहुत ज़्यादा बुलिंग करता था तंग करता था हैरी पॉटर को इवन के समटाइम्स जो डेडले है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके बड़ा स्पॉयल करता था हैरी पोटर को और हैरी को बहुत तंग किया करता था ना सिर्फ डेडले बल्कि अंकल वर्नर और आन पटूनिया भी उसे घर के सारे काम करवाते थे उसको बहुत तंग किया करते थे अब घर में जो दो कमरे थे वो डेडले को दिए हुए थे एक रूम उसका खुद का और दूसरा उसके ब्रोकन टॉयज़ के लिए लेकिन उसके अलावा जो हैरी पॉटर था उसके साथ इतना बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था कि वो जो कवर्ड होती है स्टेयर्स के अंडर उसको वहाँ पे रूम दिया जाता छोटा सा इवन के वहाँ पर समटाइम्स स्पाइडर्स होते थे लाइक हैरी पॉटर के साथ थ्रू एंड थ्रू बहुत ही ब्रूटल ट्रीटमेंट किया इस फैमिली ने और समटाइम्स क्या होता था बड़ी स्ट्रेंज चीज़ें होती थी हैरी के साथ जो हैरी खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था कि हुआ क्या है कि एक दफ़ा आंट पिटूनिया थी उन्होंने यह किया उन्होंने हैरी के जो है ना हेयर्स उनको काट दिया ठीक है लेकिन क्या हुआ जो अजीब चीज थी वो ये हुई कि अगले ही दिन जो हैरी के हेयर्स थे वो दोबारा उसकी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ गए ठीक है अब क्या हुआ एक दूसरे टाइम पे यह हुआ कि हैरी जो है उसको बड़ा डडले अपने गैंग के साथ चेस कर रहा था बहुत तंग कर रहा था सडनली क्या हुआ ही फाउंड हिमसेल्फ़ ऑन द किचन रूफ ठीक हो गया अब क्या हुआ इसके बाद जो डेडलेस था उसका डेडले का एलेवंथ बर्थडे था और उसको उसकी बर्थडे पे बड़ा मज़े का गिफ्ट मिला वो क्या गिफ्ट था आगे डिस्कस करते हैं अच्छा अब क्या हुआ इसके एलेवंथ बर्थडे के ऊपर ना ये लोग सारे जू जा रहे थे जब ये जू जा रहे थे ना तो वहाँ पे हैरी भी इनके साथ था जब हैरी भी इनके साथ था तो उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे एक बुआ कंस्ट्रक्टर था ठीक है एक स्नेक था बहुत बड़ा वो एक कैच के अंदर था जब वो केच के अंदर था तो वहाँ पे एक ग्लास का केच था ठीक है तो उसके अंदर जब वो हैरी उनको देखता है तो हैरी उस स्नेक से बात करने लग पड़ता है और अनकॉन्शियसली हैरी को भी पता हैरी बड़ा हैरान होता है कि वो स्नेक की ज़ुबान कैसे समझ रहा है और स्नेक जो है वो हैरी की ज़ुबान कैसे समझ रहा है खैर अब तब जो है डरले ने आके धक्का दिया है हैरी को कि तुम पीछे हो मैंने देखना है अंदर कि स्नैक उठ गया मैंने उससे बात करनी है तो जब वो हैरी को धक्का देता है हैरी नीचे गिर जाता है हैरी गुस्से से देखता है डरले की तरफ अब वो जब डरडले को गुस्से से देखता है तो उस टाइम पर जो ग्लास होता है उस केच के आउटसाइड पर जो बाहर पे ग्लास होता है वो क्या होता है वो वैनिश वो गायब हो जाता है ठीक है अब वो जब गायब होता है तो डरले जो है वो गिर जाता है उस बोआ कंस्ट्रक्टर के केज के अंदर ठीक है जब वो जब वहाँ पे गिरता है तो वो एक बाहर आ जाता है और उसके बाद जब डेडले उड़ता है बाहर आने के लिए तो वो ग्लास वापस आ जाता है ठीक है शीशा जो था ना जो उस केस का शीशा था वो वापस आ जाता है तो ये गिफ्ट मिला डेडले को उसकी बर्थडे पे अब इस इवेंट के बारे में हैरी पॉटर से पूछा था तो हैरी कहता है मुझे तो खुद भी नहीं पता कि हुआ क्या अचानक कैसे हुआ लेकिन अंकल वर्नन जो है वो ब्लेम हैरी को ही करते हैं इसके लिए ठीक है और वो क्या करते हैं वो हैरी को कहते हैं तुम्हें पनिशमेंट में देता हूँ तुमने होली समर होली डेज के तक अपने जो कबड़ है उसके अंदर ही रहना है अब एक दिन क्या हुआ एक दिन एक मिस्टीरियस लेटर आ गया और वो जो लेटर था वो किसके लिए आया वो हैरी पॉटर के लिए आया ठीक है और लेटर सिर्फ एक नहीं आया लेटर पे लेटर आते गए अंकल वर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया हैरी को कि वो तुम ये लेटर नहीं पढ़ सकते ये तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन और तुम्हारा यहाँ पे ना मिस्टेकली नेम लिखा हुआ तुमने नहीं है पढ़ना ठीक है लेकिन हैरी पॉटर जो है बड़ी कोशिश करता है उस लेटर को पढ़ने की बट वो नहीं पढ़ने देते उसको डांट देते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब लेटर आया था लेटर के ऊपर एग्जैक्ट जिस प्लेस पे हैरी था वो प्लेस मेंशन थी लिखा हुआ था मिस्टर हैरी पॉटर, द कब्ड अंडर द स्टेयर्स फॉर प्राइवेट ड्राइव लिटिल ठीक है तो ये एग्जैक्ट जो है ना एग्जैक्ट प्लेस का नेम मैंशन था इसके ऊपर लेकिन अंकल वर्नर ने एक भी लेटर जो है वो पढ़ने नहीं दिया हैरी पॉटर को और क्या हुआ उसके बाद उसके बाद ये हुआ कि एक दिन एक दिन इतने ज्यादा लेटर्स आ गए हैरी के घर ठीक है और उस टाइम पे अंकल वर्नन बड़ा परेशान हुए और वो उन्होंने अपनी फैमिली को लिया और लेके एक डेजोलेट शैक जो है ना एक आयलैंड के ऊपर लेके चले गए हैरी पॉटर को और जब वो लेके गए थे ना वो बिल्कुल हैरी पॉटर के एलेवंथ बर्थडे बर्थडे से एक पहले की रात थी अब क्या हुआ ऑन द नाइट बिफोर हैरीज एलेवंथ बर्थडे अब उस टाइम पर क्या हुआ जैसे ही क्लॉक टिक 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 ठीक है क्लॉक पर जो है ना टाइम हो गया बारह बजने का तो हैरी पॉटर ने क्या किया हैरी पॉटर ने खुद को साइलेंटली विश किया कहता हैप्पी बर्थडे हैरी ठीक है तो ये जो चीज़ें इंडिकेट करती है कि हैप्पीनेस जो है ना आप खुद ही क्रिएट करते हो ठीक है हैप्पीनेस डज नॉट कम टू यू आपकी तरफ नहीं आती आप खुद क्रिएट करते हो तो हैरी पॉटर ने अपने लिए लिटल से हैप्पीनेस क्रिएट की मिट्टी के ऊपर अपना नेम लिखकर मतलब हैप्पी बर्थडे लिखकर और खुद को कहा हैप्पी बर्थडे हैरी जब ये कहा उसने साइलेंटली फिर अचानक से बूम ज़ोर से दरवाज़ा खटका और दरवाज़ा टूट गया ठीक है और जब एंट्री हुई किसकी एंट्री हुई वहाँ पे द कीपर्स ऑफ द कीज़ ठीक है जिसका नाम हैग्रिड है, हैग्रिड एंटर होता है वहाँ पे, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है ठीक है और वो कहता है वो कौन है वो द कीपर ऑफ द कीज़ एट हॉकवर्ड्स ठीक है और एक्सप्लेन करता हैरी को कि हैरी तुम एक विजिट हो और तुम्हें अब हॉगवर्ट्स में जाना होगा अपने स्टडी ऑफ मैजिक के लिए ठीक है और हैरी को पता लगता है कि जो डर्जलेस है उन्होंने हमेशा इससे झूठ बोला और डर्जलेस को पता था कि हैरी के पास मैजिकल एबिलिटीज़ है ठीक है और उसके बाद जो है हैरी को भी पता लगता है कि इसके जो पेरेंट्स थे उनके एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी उनकी डेथ हुई थी मर्डर किसने किया था वॉल्डी ने फिर हैगरेड जो है वो हैरी को लेटर देता है और हैरी वो लेटर पढ़ता है लेटर में पता क्या लिखा हुआ था लेटर में लिखा हुआ था डियर मिस्टर पॉटर वी आर प्लीज़ टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अ प्लेस एट होगवर्ड स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजेड्री प्लीज़ फाइंड इन अ लिस्ट ऑफ ऑल नेसेसरी बुक्स एंड इक्विपमेंट टाउ बिगिन ऑन फर्स्ट सप्तम्बर वी अवेट योर ऑल बाय नो लेटर दैन थर्टी फर्स्ट जुलाई योर सेंसरेली मिस मैकगोनागल डिप्टी हेडमिस्ट्रेस ये लिखा हुआ था लेटर के ऊपर ठीक है अब इसके बाद हैरी कहता है ये चीज़ें यहाँ से तो नहीं मिलेंगी तो हैग्रेड कहता है मुझे पता है कहाँ से मिलेंगी तो फॉलोइंग डे हैग्रेड जो है वो हैरी को डायगोन अले में लेके जाता है ठीक है डायगोन अले जो है वो लंडन के अंदर एक शॉप होती है फॉर स्कूल सप्लाइज अब वो जब वहाँ जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद इसका फर्स्ट जो स्टॉप होता है वो विजिटिंग बैंक के अंदर होता है जिसका नाम है ग्रिंगोट्स ठीक है ग्रीन कोर्स जो है वहाँ पे बैंक होता है वहाँ जाते हैं ये वहाँ पे पता लगता है उसको कि जो हैरी के पेरेंट्स थे वो हैरी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है ना विजिटिंग गोल्ड छोड़ कर गए हुए हैं तो वहाँ से हैरी जो है पैसे लेता है ठीक है ताकि वो अपनी शॉपिंग कर सके और उसी दौरान जो है ना हैग्रेड वो एक वॉल्ट सेवन वन थ्री होता है वहाँ पे रुकता है और वहाँ से वो एक मिस्टीरियस पैकेज लेता है ठीक है और वो कहता है हैरी को कि ये हॉगवेड के बिज़नेस के लिए है डबल डोर का काम है ठीक है उसके बाद क्या होता है बैंक के बाद हैरी जो है वो जाता है स्कूल की टेक्स्ट बुक्स लेने के लिए फिर उसके बाद जो है हेग्रेड वो हैरी को एक ऑल गिफ्ट करता है जिसका नाम होता है हेडविक ठीक है फिर इसके बाद जो इनकी लास्ट शॉप होती है डाइगन एले के अंदर होती है ओली की शॉप जहाँ से वैंड्स मिलती है मैजिक वैंड ठीक है? है हैरी वहाँ से अपनी एक मैजिक वैंड परचेज करता है और पता है स्पेशल चीज़ जो इसकी मैजिक वैंड होती है ना वो बड़ी स्पेशल होती है इसकी जो बैंड होती है ना वो वुड और जो वुड है उसकी होली और जो उसके होली के साथ साथ इसमें फोनिक्स का फीदर यूज हुआ होता है ठीक है इसकी लेंथ होती है एलेवन इंचज़ की और इसके जो करैक्टरस्टिक्स हैं नाइस एंड सप्पल ठीक है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात क्या है वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी जो करैक्टरस्टिक ये है कि वॉल्ड की जो वैंड होती है ना ठीक है उसके और हैरी के वैंड के तकरीबन फ़ीचर सेम हैं क्योंकि फोनिक्स के जो फीडर थे ना सिर्फ सिर्फ वो दो अब तक आए थे और वो एक फ़ीदर यूज़ हुआ था जो कि हैरी की वैंड के अंदर और दूसरा जो फीजर था वो यूज़ हुआ था वॉल्डी मॉड की बैंड के अंदर ठीक हो गया और तब हैरी को और बताता है कि वैंड अपना मास्टर खुद चूज़ करती है ठीक है और जो हैरी के वैंड के, के फ़ीचर क्या थे वो गुड थे और जो वॉल्ड के वैंड के फ़ीचर क्या थे वो बैड थे तो बैड ने बैड को चूज़ किया तो गुड ने गुड को चूज़ किया अच्छा अब आगे चलते हैं स्टोरी के अंदर अब इसके बाद अ मंथ लेटर एक मंथ के बाद जो है हैरी जा रहा है हॉगवर्ड एक्सप्रेस की तरफ और वहाँ से जो है ना उसने किंग्स क्रॉस स्टेशन से जाना था प्लेटफॉर्म नाइन एंड थ्री क्वार्टर ठीक है अब उसके बाद जो है वो बड़ा परेशान होता है कि कैसे वो इस प्लेटफॉर्म की तरफ पहुँचेगा और कैसे वो यहाँ से निकलेगा तो वहाँ पर उसको कुछ लोग मिलते हैं एक का नाम है मोली विजली ठीक है जो इसको बताती है कि तुमने कैसे ट्रेन तक पहुंचना है फिर वहाँ पे जो है ना हैरी की दोस्ती होती है रॉन वीजली से और हरमानी से रॉन वीजली मोली वीजली का बेटा है और हरमानी ग्रेंजर जो है ना ये वहाँ पे उसको लाइक ये भी एक मेन करेक्टर है स्टोरी के अंदर तो अब ये रॉन वीजली और हरमानी जो है ना इसके बाद हैरी की जो मुलाकात होती है वो होती है नेवल लॉन्ग बॉटम से ठीक है नेवल लॉन्ग बॉटम जो है ना उसका एक पेट होता है वो टोड होता है ठीक है इसका नाम होता है ट्रेवर फिर इसकी मुलाकात तो होती है ड्रैको मेलफोए से मेलफो जो है बड़ा नेगेटिव करैक्टर दिखाया गया है बड़ा प्राउड फील करता है अपने ऊपर बड़ा एरोगेंट किस्म का बंदा होता है खैर फिर जब इनकी ट्रेन पहुंचती है हॉकवर्ट्स तो उसके बाद वहाँ पे होती है सोटेड सेरेमनी ठीक है अब वहाँ पे सोटिंग हैट होती है जिसके सर पे वो रखी जाए उसने उसको उसके लाइक टैलेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कूल में सोर्ट करना होता है तो जब वे हॉगवर्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे फोर हाउसेज़ होते हैं हॉकवर्ट्स के एक होता है ग्रेफिडर दूसरा होता है सिलथ्रीन तीसरा होता है पफ और चौथा होता है रेवन क्ला अब वहां पे जो होता है ना जब इसके सर के ऊपर हैरी के ऊपर जब रखी जाती है सोटिंग के सोटिंग के लिए हैट रखी जाती है ना तो हैरी बड़ा परेशान होता है कि कहीं उसको सिलथरीन में ना डाल दिया जाए क्योंकि सिलथरीन से वॉल्ड मॉड बिलोंग करता था ठीक है तो एक चाहता था कि उसको सिलथरीन में डाल डाला जाए अब जब वॉल्ड जब सोटिंग हैड चूज़ करती है कि हैरी को सिलथरीन में रखा जाए तो हैरी कहता है प्लीज़ नो सलेथरीन नो सिलथरीन तो उस टाइम पीरियड पर फिर जो है सोटिंग हैड वो कंसिडर करती है केयरफुली हैरी को जो है ग्रेफिंडर के अंदर रखा जाए जब हैरी ग्रेफिंडर हाउस में जाता है तो हरमायनी और रोन भी उसी के अंदर होते हैं और इससे जो हरमायनी रोन और हैरी की और नेवल लॉन्ग बॉटम की जो फ्रेंडशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है अब जैसे स्कूल स्टार्ट होता है ना तो हैरी जो है ना ये और ज़्यादा इसको टेंशन मिलने लग पड़ती है इसकी पहली की लाइफ के मुकाबले में ठीक है जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ना जब भी इसके वो देखते हैं लाइटनिंग बोल्ट शेप देखते हैं ना इसके सर के ऊपर तो वो देखते हैं ये तो वही है जिसकी फेस पे हैरी बड़ा फेमस हुआ था ठीक है द बॉय हु लिव्ड ठीक है तो लेकिन वहाँ पे जो है ना हैरी अपनी सारी क्लासेस इन्जॉय करता है सिवाय प्रोफेसर स्नेप के क्योंकि जो प्रोफेसर स्नेप होते हैं ना वो पोशन इंस्ट्रक्टर होते हैं उस टाइम पर और वो ना हैरी को बड़ा डिसलाइक करते हैं ठीक है क्योंकि हैरी नोट कर, नोट करता है हैरी कि जब भी प्रोफेसर स्टेप इसके स्कार की तरफ देखते हैं ना तो इसका स्कार बड़ा प्रिकल करने लग पड़ता है बड़ा इचिंग होती है इसके स्कार के ऊपर ठीक है अपनी फर्स्ट क्लास के बाद जो हैरी और रोन है ना वो डिसाइड करते हैं कि वो ना हैग्रेड के पास जाते हैं उससे मिलने हैग्रड जो है फॉरबिडन फॉरेस्ट के बिल्कुल पास रहता है और जब ये हैग्रड के पास जाते हैं ना तो वहाँ पे हैगरेड जो है अन ठीक है अन इंटेंशली जो है ना वो रिवील कर देता है वॉल्ट सेवन थर्टीन के अबाउट ठीक है फिर वो बताता है कि कि जिस जगह पे हमने सेवन थर्टीन जो था वहाँ से हम लोगों ने अपना पैकेज तो उठा लिया था लेकिन जो लास्ट टाइम पे वहाँ पे क्या ये? वहां पे हुई है वहाँ पे रॉबरी हुई है अटैक हुआ है वहाँ पे चोरी का ठीक है अब क्या होता है इसके बाद इसकी फर्स्ट फ्लाइंग होती है जब ये फ़र्स्ट फ्लाइंग लेसन ले रहे होते हैं मिस हुक के साथ वहाँ पे नेवल जो है उसकी विस्ट जो है वो टूट जाती है ठीक है और उसके बाद जो है ना वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं नेवल लॉन्ग बॉटम को अब मेलफो जो है ना वो नेवल का रिमेंबरल रिमेंबरल एक छोटा सा उसका ना लाइक गैजेट होता है जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको भेजा होता है नेवल लॉन्ग बॉटम को क्योंकि जो र, नेवल लॉन्ग बॉटम है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद ही याद है उसको भूल जाती है तो उसने उसको रिमेम्बरल भेजा होता है ठीक है तो वो जो है ना मेल्फोए वो नेवल लॉन्ग बॉटम से उसका रिमेम्बरल छीन लेता है ठीक है अब जब वो रिमेम्बरल छीन लेता है ना तो इसके बाद जो है हैरी की उससे फाइट होती है मेल्फोए से अब हैरी जो है मेल्फोए उसका रिमेम्बरल उठा के फेंक देता है ऊपर की तरफ हैरी अपनी जो ब्रूम होती है उस पर ना विदाउट एनी काइंड ऑफ लेसन ठीक है ब्रूम पे बैठता है और जाकर उसका रिमेम्बरल पकड़ लेता है ठीक है अब वो जब जाकर रिमेम्बरल पकड़ता है हैरी नेवल लॉन्ग बॉटम का तो उस टाइम पीरियड पे जो मैं प्रोफेसर मैक होती हैं वो ऑब्ज़र्व करती हैं है है हैरी की स्किल्ड ठीक है कि कितनी ज़बरदस्त फ्लाइंग स्किल्ड है इसकी ठीक है अब वो क्या करती हैं वो हैरी को पनिश करने की बजाय उसको अपने साथ लेके जाती हैं और जाके ग्रिफिंडर क्विडिट्स टीम को कहती हैं कि आज से ये तुम्हारा सीकर है सीकर के तौर पर तुम्हारे साथ ये गेम खेलेगा ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है इसके बाद जो मेल्फो है ना वो अरेंज करता है एक मिड नाइट हैरी ठीक है अब उसके बाद जो है ना रॉन हरमाइनी नेवल जो है वो उनके साथ होते हैं लेकिन इस टाइम पीरियड पे एक ट्रबल क्रिएट हो जाती है ये दो ये चार के चार जो है ना एक्सीडेंटली एक फोरबिडेंट कॉरिडोर के अंदर एंटर हो जाते है जहाँ थ्री लेग डोग जो है ना स्टैंड होता है ठीक है अब उसके बाद जो है जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो वो लाइक क्विकली कॉरिडोर को छोड़ देते हैं और हैरी जो है वहाँ पे नहीं वहाँ से छोड़ता नहीं जल्दी वो पहले जब तक कंक्लूजन ना निकाल ले कि डॉग वहाँ पे क्या कर रहा था वो सोचता है कि वेदर ये जो डॉग है कि क्या, क्या ये मिस्टीरियस पैकेज जो फ्रॉम वॉल्ट सेवन थर्टी ने क्या उसको गार्ड कर रहा था अब इसके बाद जो हेलोवीन नाइट है ठीक है उसमें क्या होता है उसके अंदर जो है ना एक ट्रोल ठीक है एक ख़तरनाक किस्म का जो है ना जॉन्ट मैन वो सामने आ जाता है ठीक है जब ट्रोल सामने आता है तो सारे स्टूडेंट्स जो है उनको कहा जाता है कि अपने हाउसेस में भाग जाएं अब उनको उस टाइम पीरियड पे हर नहीं मिल रही होती हर जो होती है बाथरूम में होती है हैरी और रोन जो है मिलकर हर को ढूंढने जाते हैं और क्या होता है वहाँ पर जिस जगह पर वो हर को ढूंढने जाते हैं गर्ल्स के बाथरूम में वहाँ पर वो ट्रोल भी पहुँच जाता है और हैरी और रोन वो मिलकर जो है ट्रोल को अनकॉन्शियस कर देते हैं फिर उसके बाद जब प्रोफेसर्स वहाँ पे आते हैं हरमानी सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेती है ठीक है और इसके बाद से जो तीनों हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे और क्लोज़र फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर जब हैरी का फर्स्ट क्विडिच मैच होता है तो इसकी जो ब्रूम होती है हैरी की वो लाइक होता नहीं है कि ट्रबल क्रिएट होना वो ट्रबल क्रिएट करने लग पड़ती है वो स्टेटिक नहीं रहती ब्रूम जो है वो हैरी को बहुत ज़्यादा तंग करती है और हरमानी और रोम जो है ना रोन वो मिलकर एज्यूम करते हैं कि जो स्नेप है ना वो कोई ना कोई ना चाम पड़ रहा है ठीक है कोई ना कोई जो है मैजिक पड़ रहा है कोई स्पेल कर रहा है है हैरी के ऊपर फिर वो जाते हैं हरमानी और रोन मिलकर स्नेप के ना कुछ जो मटरिंग कर रहा होता है ना उसको डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे अपना चाम करती है हरमानी ठीक है जब वो स्पेल करती है तो वहाँ पे आग लग जाती है तो उसके बाद उस फायर की बेस पे इनका स्नेप का ध्यान वहाँ से हट जाता है और जो हैरी है वो दोबारा से रीगेन कर लेता है कंट्रोल अपने बूम के ऊपर और फाइनली ये जो क्विडिच गेम है वो जीत जाते हैं फिर इसके बाद जो होता है क्रिसमस हॉलीडेज़ आती है हैरी जो है वो हॉगवर्ट में ही स्टे करता है रोन के साथ अब इस टाइम पीरियड पे क्या होता है जो हैरी और रोन होते हैं वो मिलकर ना ना जस्ट खेल रहे होते हैं और वो रिसर्च कर रहे होते हैं निकोलस फ्लेमल के अबाउट निकोलस फ्लेमल का नेम जो है ना वो एक्सीडेंटली मेंशन करता है हैकरेट जब वो बता रहा होता है इनको पैकेज के अबाउट जो वॉल्ट सेवन थर्टीन है ठीक है अब उसके बाद जो क्रिसमस मॉर्निंग होती है हैरी बड़ा सरप्राइज़ होता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेजेंट्स मिलते हैं इसमें एक इनविजिबिलिटी क्लॉक भी होता है ठीक है और वो जो क्लॉक होता है वो इसके फादर से बिलोंग करता है हैरी के फादर से बिलोंग करता है हैरी ना अपना इनविजिबिलिटी इनविजिबिलिटी क्लॉक ना वेयर करता है और पहनने के बाद वो एक रूम में पहुंच जाता है उस रूम के अंदर एक मिरर होता है और वो जब मिरर में देखता है तो देखता है उसके डेड पेरेंट्स और कुछ अन नॉन रिलेटिव जो होते हैं उसके बैक पे खड़े हुए होते हैं नेक्स्ट नाइट दोबारा हैरी जो है ना भाग के उसी रूम में जाता है अपनी फैमिली को मिरर में देखने के लिए और बड़ा सरप्राइज होता है कि वहाँ पर ऑलरेडी प्रोफेसर डब्बल प्रेजेंट होते हैं ठीक है और वो हैरी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो हैरी को बताते हैं इस मिरर के बाद कि मिरर अबाउट जो मिरर है ना मिर और मिरर ऑफ अरेस्ट ठीक है ये रिवील करते हैं कि जो आपका बंदे का जो डीपेस्ट डिज़ायर होती है ना एक पर्सन की उसके दिल के अंदर ठीक है वो उसको दिखाता है लेकिन ये जो है ना वो ट्रूथ और नॉलेज नहीं दिखाता है रियलिटी नहीं दिखाता डम्बल डोर हैरी को ये भी बताता है कि जो मिरर है ना हम इसको न्यू लोकेशन में मूव कर देंगे ठीक है नेक्स्ट डे और हैरी जो है ना इसको दोबारा फाइंड आउट करने की कोशिश ना करें अब इसके बाद क्या हुआ जब हॉलीडेज उनकी ख़त्म हो जाती हैं हो जाती हैं है, हैरी की रोन की तो हैरी रोन और हर फाइनली डिस्कवर कर लेते हैं कि निकोलस फ्लेमल क्या है इसकी आइडेंटिटी क्या थी और पता इनको पता लगता है कि जो ये अकेला एक बंदा था जिसने एक सोकरोर स्टोन एक फिलोसफर स्टोन बनाया था और उस स्टोन के अंदर अंदर क्या था कि जो भी उस स्टोन को अपने पास रख लेता है यूज़ कर लेता है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है उसकी लाइफ भी कभी भी ख़त्म नहीं होती ठीक है और ये रियलाइज करते हैं कि जो थ्री हेडेड डॉग है ना वो बेसिकली उसी स्टोन की रखवाली कर रहा है उसकी गार्डिंग कर रहा है और हैरी को फिर शक पड़ता है कि स्नेप जो है ना वो उस स्टोन को लेना चाहता है स्टील करना चाहता है ठीक है अपने लिए अब हैरी रोन और हरमानी जो है ना वो डिस्कवर करते हैं कि हैग्रेड जो है वो इ ड्रैगन को रेस कर रहा है ठीक है जो कि उसको एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर ने दिया था एक बार के अंदर इन एक्सचेंज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री हेड डॉग अब हैरी हरमायनी डिसाइड करते हैं कि वो जो ड्रैगन है उसको स्मगल कर दें रोन्स के ब्रदर की तरफ जो रोन का ब्रदर उसका नाम चार्ली है ठीक है जो कि ऑलरेडी ड्रैगन के साथ रोमानिया में वाक कर रहे हैं लेकिन ये पकड़े जाते हैं जब ये ड्रैगन को हैंड ओव कर रहे होते हैं चार्ली के फ्रेंड को अब जब ये पकड़े गए तो, तो अब इनको पनिशमेंट मिलती है क्योंकि इन्होंने जो स्कूल के कर्फ्यू था उसको डिसोबे किया था अब इनको पनिशमेंट मिली तो क्या हुआ हैरी और हरमायनी साथ में इसके मेल्फो है और नवल भी थे ठीक है इनको फॉरबिडन फॉरेस्ट में भेजा जाता है हैरेड के साथ है, हैग्रेड के साथ कि इन्होंने बाउंडेड यूनिकॉर्न है उसको लोकेट करना है अब वो जब उसको लोकेट करने के लिए जाते हैं तो ये ग्रुप होता है ये स्प्लिट हो जाता है टू के अंदर हैरी और मेल्फोए जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है और ये ना जो यूनिकॉर्न की बॉडी होती है उसके बिल्कुल करीब पहुँचते हैं और ये दोनों देखते हैं हैरी और मेल्फोए कि एक हुडेड फिगर है जिसने हुड पहना हुआ है ठीक है वो क्रॉल करता हुआ आ रहा है ये यूनिकॉर्न के पास और इसके ब्लड को ड्रिंक करना शुरू कर दिया है मेल्फोस क्रीम करता है और भाग जाता है वहाँ से सीखने के बाद लेकिन हैरी जो है वो उस जगह पे फ्रोज़न रहता है खड़ा रहता है और उसके जो स्कार होता है उस स्कार से अचानक पेन जो है बड़ी किस्म की ना बड़ी सवेर किस्म की स्टार्ट हो जाती है और वो उस पेन को बड़ा लाइक फील कर रहा होता है स्टॉप नहीं कर पा रहा होता उस पेन से रुक नहीं पा रही होती उसकी वो पेन और उसके बाद जो हुडेड फिगर है वहाँ से जैसी मूव कर जाती है तो उसमें क्या होता है उस टाइम पीरियड पे एक सेंटोर जो है ना वो आने लग पड़ते हैं वहाँ पे हैरी के सामने और वो जो सेंटोर है वो बेसिकली हैरी को हैरी को प्रोटेक्ट करता है इस वॉल्डमोड से क्योंकि ये बताता है कि जो ये होडेड फिगर है ये बेसिकली वॉल्डमोड था जो कि यूनिकॉर्न का ब्लड पीकर जिंदा रहता है ठीक है और ये स्टील करना चाहता है सॉकर स्टोन को ठीक है उस फलोसफर स्टोन को ये चुराना चाहता है फिर हैरी जो है वो फैसला करता है कि जो वॉल्डमट है उससे पहले पहले हैरी खुद उस स्टोन को चुरा लेगा हैरी रोन और हरमानी मिलकर उस फोरबुडन कॉरिडोर में जाते हैं और वहाँ से जब थ्री हैडेड डॉग होता है वो देखते हैं कि उसको ऑलरेडी कोई ना कोई लाइक like, लोरी सुनाई होती है और वो सोया होता है म्यूज़िक के साथ फिर जब वो थ्री हेडेड डॉग सोया होता है तो उस टाइम पीरियड पे जो ट्रैप डोर होता है उस हेडेड डोर के डॉग के बिल्कुल पाँव के नीचे जो होता है ना उस ट्रैप डोर से ये भाग जाते हैं हैरी रॉन और हरमानी तीनों मिलकर और सबसे पहले पहुंचते हैं डबल स्नेर पे ठीक है वहाँ पे इनको डिफरेंट चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़ते हैं जिसमें फर्स्ट चैलेंज जो होता है वो जो स्नेक लाइक प्लांट होते हैं उनसे बचकर निकलना होता है हरमायनी जो है अपना मैजिकल फायर यूज़ करती है ठीक है और उससे प्लांट्स पीछे हो जाते हैं और ये निकल जाते हैं उससे इनका नेक्स्ट चैलेंज होता है वहाँ से कि एक रूम होता है वहाँ पे स्मॉल फ्लाइंग कीज़ होती है हैरी जो है वो ब्रूम स्टिक के ऊपर बैठता है और उनमें से एक सिल्वर की जो होती है उसको फाइनली ले, ले लेता है जो कि डोर की की होती है इसके बाद डोर जब खुल जाता है तो वहाँ पर एक जॉन्ट विजर्स जो है चेस बोर्ड होता है और जैसे कि रोन वीजली बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है चेस प्लेयर का तो वो वहाँ से उस चैलेंज को लाइक like, जीत जाता है उस चैलेंज के अंदर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और हैरी और हरमाइनी को अलाउ करता है कि आप नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाएँ जब हैरी और हरमाइनी जो है वो नेक्स्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं नेक्स्ट रूम में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लेम्ड होती है और उस टाइम पीरियड पे पॉइजनस पोशंस के ना डिफरेंट रिडल्स होती है कॉम्प्लेक्स रिडल होती है हर मायने जो है वो रैशनली उस रिडल को सोल्व कर लेती है और हैरी को पोशन देती है और कहती है तुम ये पोशन लो और जाओ जाके फर्दर जो लाइक मिस्ट्री है जो स्टोरी है उसको सोल्व करो अब इसके बाद जब हैरी नेक्स्ट रूम में जाता है और वो फाइनल रूम में बिल्कुल अकेला जाता है हैरी ठीक है और हर जो है वो रोन के पास वापस आ जाती है जब हैरी फाइनल रूम में अकेला जाता है तो वहाँ बड़ा सरप्राइज होता है कि वहाँ पे ना तो स्नेप होता है ना ही वॉल्ड एमोड होता है बल्कि प्रोफेसर कोयल होता है प्रोफेसर कोयल वहाँ पर प्रजेंट होता है जो कि थ्रू आउट द सीरीज़ बड़ा ही स्टुपिडली एक्ट करता रहे कि बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म का है लेकिन एक्चुअली में वो वॉल्डेमोड का स्पोर्टर होता है तो तब प्रोफेसर कुरल रिवील करता है कि स्नेप तो बेसिकली मुझ पर शक करता था स्नेप को पता लग गया था कि मैं वॉल्डे का सर्वेंट हूँ ठीक है जो स्नेप है वो तो इनोसेंट बंदा है एक्चुअली मैं मैं ही हूँ जो वॉल्डे को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो हूँ क्विडिश मैच के दौरान भी स्नेप तुम्हें बचाने के लिए जो है मटरिंग कर रहा था एक्चुअली मैं तुम्हारे ऊपर ना स्पेल कर रहा था ताकि तुम मर जाओ ठीक है मैं स्नेप के बिल्कुल पास बैठा हुआ था और इसने बताया कि जो यूनिकॉर्स का ब्लड था फॉरबिडन फॉरेस्ट के अंदर वो भी मैं ही लेके आया था वॉलमोट के लिए और वो अपनी जो टर्बन है वो उसको रिमूव करता दिखाता उसकी टर्बन के बिल्कुल बैक के ऊपर जो है ना वॉलमोट का फेस होता है प्रोफेसर कोयल कहते हैं कि हैरी को तुम मिरठ के बिल्कुल सामने आओ और बताओ तुमने क्या देखा और मुझे जो स्टोन है वो वापस दो हैरी मिरठ के सामने आता है तो वो 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 झूठ बोलता है वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ मैंने क्रिड्रिज का कप जो है वो कप जो है क्रड्रिज का मैंने वो विन कर लिया है फिर वॉल्डी मोड कहता है ये झूठ बोल रहा है इससे पूछो इस, इस इसने क्या देखा सच बताए तो उसके बाद जो है आ, हैरी वो नहीं बताता सच तो फाइनली कोयल को पता लग जाता है कि इसके पास जो है वो सोकर स्टोन जो है इसकी पॉकेट में है फिर उसके बाद जो है इनके दरमियान में एक ड्यूल होता है फ़ाइट होता है और उस फाइट के दौरान जो वॉल्डी मोट है वो हार जाता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो पावर्स है बहुत ज़्यादा वीक होती हैं वॉलमोट स्क्रीमिंग करता है गुस्से के साथ इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इक्वाइंग करती है और फाइनली जो है ना प्रोफेसर क्रेल की डेथ हो जाती है और, और वॉल्डी मोट वहाँ से निकल जाता है चीखते हुए और हैरी जो है वहाँ से पासिस आउट फिर जब हैरी निकलता है वेकअप होता है उठता है ना तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है ठीक है डम्बल के साथ डब्बल जो है ना वो हैरी से बहुत प्यार करते हैं और जब इसकी कोयल से फाइट हो रही होती है और कोयल उसको मारने लग पड़ता है तो डम्बल डोर तभी उसको हैरी को वहाँ से ले, ले लेता है और हैरी को वहाँ से लेकर ये हॉस्पिटल में ले आता है ठीक है और उसके बाद वोल्ड एक दफ़ा फिर से स्केप कर जाता है डम्बल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि कुरल जो है ना ये अनएबल टू टच हैरी स्किन बिकॉज ऑफ हिज मदर्स लव कुरल जो है तुम्हारी स्किन को टच नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी मदर की लव की बेस पे जब लिली पॉटर ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया था तुम्हें बचाने के लिए तो उसने अपनी कुछ जो प्रोटेक्शंस की मैजिकल पावर थी वो तुम्हें दे दी थी तुमने ट्रांसफ़र कर दी थी और वो जानता था कि सिर्फ और सिर्फ हैरी है जो कि रिड्राइव कर सकता था स्टोन को फ्रॉम मिरर ऑफ़ एरिस से क्योंकि अनलाइक क्विरेल एंड वोल्डमोड हैरी जो है उस स्टोन को खुद के लिए नहीं चाहता था और जो बंदा खुद के लिए वो स्टोन चाहता होता उसको वो स्टोन नहीं मिलता फिर इसके बाद जो है वर्ल्ड मोड डिस्ट्रॉयड तो नहीं हुआ लेकिन उसने फाइनली वो सोकर स्टोन भी नहीं ले पाया अब उसके बाद बिल्कुल एंड हो गया ईयर का अब एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है जो मेंबर्स ऑफ सिलिग्रीन है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि उनकी विक्ट्री हुई है अब उनको हाउस कप मिलने वाला है सेवंथ स्ट्रेट ईयर लेकिन अनएक्सपेक्टेडली क्या होता है डम्बल डोर जो है वो अवार्ड्स करता है लास्ट मिनट के अंदर कि हैरी को इस चीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं रोन को उसके पॉइंट्स मिलते हैं हरमानी को मिलते हैं और नेवल को इन चारों को वो डिफरेंट पॉइंट्स देता है और वो पॉइंट्स मिलने के बाद जो ग्रेफेंडर का स्कोर्स है वो स्कोर लिथरीन से ज़्यादा हो जाता है और फाइनली जो ग्रेफेंडर है वो जीत जाता है और उनको हाउस कप मिलता है ठीक है और हैरी इस नाइट को बेस्ट नाइट ऑफ हिज लाइफ कंसीडर करता है और वापस समर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए डर्जलेस के पास आ जाता है और यहाँ पे हमारा हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन्स एंड हुआ था ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये मेरा फेवरेट नॉवल है और उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़